वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन भैया अगर सरहद के पार मतलब बॉर्डर के पार आप किसी से प्यार कर बैठे और सोचे क्यों ना उसे बॉर्डर तारों के नीचे से घुसकर उसको वहां से उठा लेंगे, लेकिन यहाँ तो BSF है, वो ऐसा डंडा के बजाएगी या फिर ऐसे बंदूक से वार करेगी कि भैया आप 7 पुश्तों तक किसी से प्यार करना भूल जाएंगे। अब आप पाकिस्तान के जनाब मोहम्मद अहमर को ले लो, इन्हें मुंबई की एक लड़की से प्यार होगा, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना लव जिहाद किया जाए, तारों के नीचे घुसकर मुंबई की लड़की को उठाकर पाकिस्तान ले आएंगे। लेकिन यहां होते हैं BSF के जवान, यहां इनका डंडा नहीं, यहां इनकी बंदूक चलती है। यहां एक इनकी ऐसी बंदूक चली कि ये जनाब मोहम्मद अहमर अब शायद ही किसी से प्यार करेंगे। जी हां, पाकिस्तान से तारों के नीचे से सीमा पार करके भारत में घुसे एक पाकिस्तानी व्यक्ति को राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF ने गिरफ्तार कर लिया है और अच्छे से सूता है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि सोशल मीडिया के जरिए उसे मुंबई की एक लड़की से प्यार हो गया, उससे मिलने के लिए उसने भारत का वीजा लेने के लिए कोशिश की, लेकिन जब वीजा नहीं मिला तो अवैध तरीके से भारत में घुस गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अहमद नाम के पाकिस्तानी व्यक्ति ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में अनुपड़ इलाके में पाकिस्तान की सीमा से लगती BSF की शेरपुरा और कौशल पोस्ट के बीच तारों के नीचे से घुसपैठ कर जीरो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की। इस कोशिश में जैसे ही वो आगे बढ़ा तो तार से टच होते ही अलार्म बज उठा, इसके बाद BSF के जवानों ने इसे पकड़ लिया। इंटरोगेशन के दौरान पाकिस्तान के बहाल में रहने वाले मोहम्मद अहमद ने BSF के अधिकारी को बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए मुंबई के रहने वाली एक लड़की से मिला था, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और समय बीतने के साथ दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुंबई जाने के लिए निकला था। उनके अधिकारी को ये भी बताया गया है कि दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था। इस मामले को लेकर श्रीगंगानगर के SP आनंद शर्मा का कहना है कि BSF ने अपनी पूछताछ कर ली है और अब मोहम्मद अहमद को पुलिस को सौंप दिया गया है, अब पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी। आपको बता दें पुलिस अधिकारी के मुताबिक अगर वह सही रहा तो उसे वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें पिछले महीने पाकिस्तान का ही अलादीन नाम का व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुस आया था, बाद में BSF ने उसे सलाव पुलिस स्टेशन इलाके में गिरफ्तार किया था। इन दोनों मामलों में समानता है क्योंकि इन लड़के ने भी जो पिछला लड़का था उससे भी प्यार किया था और इन्होंने भी प्यार किया था, मतलब इन्हें पाकिस्तान में लड़कियों की कमी हो गई है जो भारत में लड़कियों से प्यार करते हैं, फिर ऐसे वीजा लगा के नहीं तारों के नीचे से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भारत के जवान हैं, यहाँ इनको ऐसा सूता जाता है कि शायद ये जिंदगी में दोबारा ऐसा कुछ करने की दोबारा सोचेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।